आज डिस्कस करेंगे रैपिड प्रोटोटाइपिंग के बारे में। रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस क्या होती है और ये कैसे काम करती है? इसके अंदर कौन कौन से हम पार्ट्स यूज़ करते हैं जो रैपिड प्रोटोटाइपिंग में काम आते हैं? तो रैपिड का मतलब क्या होता है? रैपिड का मतलब होता है तेज गति से, बिल्कुल तेज गति से। प्रोटोटाइप है कोई मॉडल बनाना किसी चीज़ का, किसी चीज़ की डुप्लीकेट कॉपी बनाना, उसको हम बोलते हैं प्रोटोटाइप। और ये छोटा होता है, स्मॉल वर्किंग होता है ये, इसको वर्किंग प्रोटोटाइप भी हम बोलते हैं। तो तेज गति से कोई वर्किंग मॉडल बनाना किसी चीज़ का, वो छोटा हो सकता है या थोड़ा बड़ा हो सकता है, उसको हम प्रोटोटाइप बोलते हैं, या बिल्कुल डुप्लीकेट कॉपी हो सकता है किसी प्रोडक्ट की। तो उसके थ्रू, किस प्रोसेस के थ्रू हम बनाएंगे, उसको हम रैपिड प्रोटोटाइपिंग बोलते हैं, कि हमें बहुत तेज गति से एक पार्ट बनाना है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें कि हमें जल्दी से जल्दी कोई भी पार्ट तैयार करना है, तो हम रैपिड प्रोटोटाइपिंग की हेल्प से उसको तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए रैपिड प्रोटोटाइपिंग में कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं? सबसे पहले हम बनाते हैं एक कैड मॉडल। मान लीजिए कैड सॉफ्टवेयर है, जो डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर हम एक 3D के अंदर कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसकी डायमेंशन एक्यूरेट लेके हम बनाते हैं। मान लीजिए इस तरह का ये प्रोडक्ट है, ये है प्रोडक्ट जो हमने बनाना है। तो हमने कैड के अंदर इसको डिज़ाइन कर लिया, तो ये हमारा प्रोडक्ट हमें डिज़ाइन करना है। सबसे पहला काम होता है कैड प्रोडक्ट या कैड मॉडल बनाना। कैड प्रोडक्ट को हम तैयार करेंगे, कैड डिज़ाइन को तैयार करेंगे, प्रोडक्ट के डिज़ाइन को। तो सबसे पहला है स्टेप ये। दूसरा, फिर इस कैड डिज़ाइन जो हमने बनाया है, उसको हम एक फॉर्मेट में चेंज करते हैं। उस फॉर्मेट को बोलते हैं हम STL फॉर्मेट, STL फॉर्मेट। STL का क्या मतलब है? S का मतलब है स्टैंडर्ड, T का मतलब है ट्रायंगुलेशन, और L का मतलब है लैंग्वेज। ये क्या है? STL फॉर्मेट जो है वो हमारा इस जो डिज़ाइन को स्लाइस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देता है, इसको हम स्टैंडर्ड ट्रायंगुलेशन लैंग्वेज बोलते हैं। ये जो लैंग्वेज है, ये एक तरह का फॉर्मेट है जो हमारा प्रिंटर समझेगा आगे, जो हमें प्रोडक्ट तैयार करना है। तो सबसे पहले हमें इसको STL फॉर्मेट में तोड़ना पड़ेगा। STL फॉर्मेट क्या है, जो हम इसको कन्वर्ट करेंगे डिज़ाइन को, वो है स्टैंडर्ड ट्रायंगुलेशन लैंग्वेज। इसके अंदर इसको ट्रायंगुलेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए ये उसको स्मॉल स्मॉल ट्रायंगल्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है, काफ़ी सारी ट्रायंगल्स के अंदर, अकॉर्डिंग टू डाटा वो उसको ट्रायंगल्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो ट्रायंगुलेशन के थ्रू ये इसको जांचता है कि किस तरह का प्रोडक्ट है, STL फॉर्मेट। तो STL फॉर्मेट के बाद इसको हम करते हैं स्लाइस। मान लीजिए ये प्रोडक्ट है, तो ये स्लाइसिंग में आ जाएगा, पतली पतली हम इसकी लेयर्स काट लेंगे, तो स्लाइस हो जाएगा। STL फॉर्मेट में चेंज करने के बाद हम इसको स्लाइसिंग करते हैं, स्लाइसिंग इसकी हो जाती है, तो इसको बोलते हैं स्लाइसिंग। पतली पतली लेयर्स के अंदर इस प्रोडक्ट को हम काट लेंगे, तो ये जो लेयर्स हैं वन बाय वन हमारी जाएंगी इसके पास, ये है प्रिंटर। प्रिंटर, आप इसको 3D प्रिंटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम इसके अंदर प्रोटोटाइप को डिज़ाइन करेंगे, प्रोटोटाइप को बनाएंगे, तो प्रिंटर है। तो ये जो सिग्नल है अब इसके पास जाएगा कि हमें कितनी लेयर चाहिए, ये फर्स्ट लेयर है, सेकंड लेयर है, थर्ड, इनकी थिकनेस जो है वो इस प्रिंटर के पास जाएंगी। इस प्रिंटर के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं अल्ट्रा वायलेट लेज़र का यूज़ कर सकते हैं ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र का भी यूज़ करते हैं, या फिर हीट सेंसिटिव जो फ्लूड हैं उनका भी हम यूज़ करते हैं, हीट सेंसिटिव ग्लू हो गया उसका यूज़ करते हैं, ताकि वो इजीली सख्त हो जाए जब अल्ट्रावायलेट लेज़र या कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र उसके ऊपर पड़े। तो जब स्लाइसिंग आएगी, तो ऊपर से जो प्रिंटर का हेड है, जो प्रिंटर का हेड होता है, वो स्प्रे करना स्टार्ट कर देता है और मूव करना स्टार्ट कर देता है इस बेस के ऊपर। और लेयर बाय लेयर
वो प्रोडक्ट को बनाता रहता है और अल्ट्रावायलेट लेज़र उसको सुखाती रहती है। तो लेयर बाय लेयर यहाँ से वो चलता रहता है और एक कंप्लीट प्रोटोटाइप तैयार हो जाता है। ये बन गया प्रोटोटाइप जो हमें तैयार करना था, बिल्कुल प्रोडक्ट की शेप का। जो लेज़र है वो हम ऊपर से भी अप्लाई कर सकते हैं, जो इसको सुखाती रहेगी, बार बार लेयर आएगी, प्रिंटर अपना ये स्प्रे करेगा और ऊपर से लेयर आएगी, उसको सुखा देगी। तो इस तरह से हम प्रिंटर्स के अंदर अलग अलग इसके तरीके होते हैं। तो लेयर ऊपर से भी इसको सुखाती चली जाएगी, लेकिन बनेगा ये लेयर वाइज लेयर, पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, ऐसे। तो पूरा प्रोडक्ट बन जाएगा प्रोटोटाइप का। इसके अंदर अगर हम कोई सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, मान लीजिए कोई इस तरह का हमें प्रोडक्ट बनाना है इस तरह का, तो ये पोर्शन हमें नहीं चाहिए उसके अंदर। तो यहाँ पे वैक्स वगैरह का प्रिंटर अपने आप यहाँ सपोर्ट प्रोवाइड कर देता है, जिसको बाद में हम तोड़ के निकाल लेते हैं, तो वो भी इसके अंदर होता है। तो उसके बाद प्रोडक्ट बनने के बाद वो जाता है पोस्ट प्रोसेसिंग पे। पोस्ट प्रोसेसिंग पे क्या होता है? पोस्ट प्रोसेसिंग के अंदर इस प्रोडक्ट को, मान लीजिए कोई सपोर्ट इसके अंदर लगी है वैक्स वगैरह की, उसको हम हटा लेते हैं, या हम उसकी फिनिशिंग कर सकते हैं। मीन्स हमें क्या करना है, प्रोडक्ट को तैयार करना है, कुछ ऐड करना है उसके अंदर। तो यहाँ पोस्ट प्रोसेसिंग में थोड़ा बहुत हम फिनिशिंग, उसकी क्वालिटी और उसके जो सारे डायमेंशंस हैं वो चेक कर सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड डायमेंशन में हम उसको तैयार करते हैं। तो रैपिड प्रोसेसिंग में ये सारी प्रोसेस आती है। कैड मॉडल तैयार करना, एसटीएल फॉर्मेट में उसको चेंज करना, फिर स्लाइसिंग होना उसकी, और फिर लेयर बाय लेयर तैयार होना उसका। तैयार होने के बाद पोस्ट प्रोसेसिंग होना, ये प्रोसेसेस रैपिड प्रोटोटाइपिंग के अंदर आती हैं। रैपिड प्रोटोटाइपिंग की टेक्निक काफ़ी सारी हैं, वो हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो ये थी प्रोसेस रैपिड प्रोटोटाइपिंग। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।